दीदी कहाँ घर में हेलो, कहाँ से आओ तानी लोगे? राउर खेत देख के आते हैं, राउर खेत बहुत अच्छा बा दीदी। राउर तो खेत बहुत हरा बाटे, खूब बढ़िया फसल बाटे, बहुत अच्छा लगता हमरा दीदी। वाह अपना खेत में काट में इतना हरा भरा बाटे, हमरा हासिल में एकदम पियरी हो गई बा। कौन बड़का बात नहीं है, जो का है तो सबका पीला बा, चली लेंगे अपना घर पर बता देंगे का है हमारा हरी घर का। दीदी सब ये पूछत रहे राउर का है हरिहर बा फसल, हमार का है पीला बा। हाँ दीदी हमारे इतने जाने के बजे हरा भरा राउर फसल का है बा। हाँ दीदी बताओ तनी, ये हमार का है हरा भरा फसल बा। अच्छा दीदी रो सब जीवामृत जान तनी लोग। ए दीदी जीवामृत का कहला हमने की जाना? जीवामृत यही होला कि एगो घोल हो, वो छिड़काव कैला पर फसल मजबूत होला, हरा भरा होला। ए दीदी जीवामृत के घोल के बने ला हमरा के बता दी। ई विधि एगो पड़ोस भैया के बतौले रहनी, रवो सबके हम बता देता नहीं। प्रणाम दी। प्रणाम भैया। कहाँ से आओ तनी भैया, कहाँ जाता नहीं? कुछ ना दीदी, तनी जात नहीं बजा था, सोचनी है कि दीदी से तनी मिल ली। अच्छा दीदी कोनो मीटिंग वोटिंग बा का? ना भैया मीटिंग वोटिंग में नखे जाके का हो जरूर बाजार जाता नहीं। अरे दीदी हमारे खेत में सब पीला पीला हो गई बा और कीड़ा मकूड़ा लगे बा सर, सोचत तो रही है जे रासायनिक खाद ना डाली, लेकिन अब पता चलता कि रासायनिक खाद डाल ही के पड़ी। का भैया रो रासायनिक खाद दे, हम जीव जीव मीट के घोल बनाओ के बता दे रहुआ, छिड़काव कर दे फसल हरा भरा रहे। हाँ दीदी चल तनी बता दी। ठीक है बताओ तनी। अच्छा दीदी बताओ से पहले तनी अपन परिचय दे दी। सभी दीदी भैया का प्रणाम, हमार नाम श्रीमती देवी, घर उपन छाप प्रखंड बरौली जिला गोपालगंज, गुलाब गुलाब जीविका स्वयं सहायता के अध्यक्ष हैं, संगम संगम जीविका महिला ग्राम संगठन के अध्यक्ष हैं। युवा मित्र घोल बनाव में कौन कौन सामान लगला हमरा बता दे। चल भैया रोवा के जिया मित के घोल बनाव के जौन जौन सामान लगला तुम रो के हम बताओ तनी। देखी भैया जीवामृत बनाव खातिर घोल बनावे खातिर 20 लीटर पानी चाहिए सादा। भैया 5 कट्ठा खातिर 20 लीटर पानी बा। अच्छा दीदी 5 कट्ठा खातिर 20 लीटर पानी बा, प्लास्टिक के बाल्टी ना होके 20 लीटर के तो? प्लास्टिक के बाल्टी ना होके तो ना दे जोन कहला वो ना धोके, अच्छा है गाढ़ा खोन के में प्लास्टिक डाल के वो में घोल हो जा सकता। देसी गाय के 2 लीटर गौमूत्र। अच्छा दीदी देसी गाय के गौमूत्र ना मिले तब? देसी गाय के जब मूत्र ना मिले तो देसी भैंस के मूत्र से हो जाए। देसी गाय देसी भैंस के मूत्र ना मिले तो मैं देसी बैलों के मूत्र डाल सकते नहीं? हाँ 200 ग्राम मीठा लगी। अच्छा दीदी मीठा ना होके तब? यदि मीठा ना होके तो मीठा फल जोन केला कहला आम कहला आए थी पपीता ओकरा के निकाल के निचोड़ के डाल सकता। देखिए भैया भाई 200 ग्राम बेसन लगी। अच्छा दीदी में 200 ग्राम बेसन लगी? हाँ। देखिए भैया मेड़ के मिट्टी लगी। अच्छा दीदी में मेड़ के मिट्टी कितना लगी? एक मुट्ठी का चौथाई भाग मिट्टी लगी। अच्छा दीदी भाई देसी गाय के 2 किलो गोबर लगी। अच्छा दीदी देसी गाय के 2 किलो गोबर ना मिले तब? देसी गाय के गोबर ना मिली तो देसी भैंसों के या चाहे बैलों के गोबर से हो सकता। अच्छा दीदी घोल ढके खातिर जूट का बोरा आ घोल मिलावे खातिर डंडा। अच्छा दीदी ये सब सामान घर में भी या गांव में भी मिल सकता, बहुत फायदा का भी बा बहुत अच्छा भी बा। अच्छा दीदी सामान तो वो बता देनी, अब एक विधि तनी बता दीजिए कि तो बनेला। चलिए भैया मैं बनावे के विधि रह के हम बता देता नहीं। पहले देखिए भैया गोबर मिलाओ पड़ी। ठीक है दीदी।
अच्छा दीदी, सबका से पहले में देसी गाय के गोबर मिलावल जाई? हाँ ठीक बा दीदी। देखिए भैया, 200 ग्राम मीठा इसमें डाले के पड़ी। अच्छा दीदी, ये घोल में मीठा डालला से का फायदा बा? मीठा मिलावला से जीवाणु के शक्ति मिलेला। अच्छा दीदी, हाँ ये 2 लीटर गौमूत्र मिलावता नहीं। ये गौमूत्र मिलावे से का फायदा हुई? गौमूत्र मिलावे से फसल में कोनो रोग ना हुई। अच्छा दीदी, गौमूत्र मिलावला से मैं फसल में कीड़ा ना लगी, ऐसे रोग मुक्त हो जाए? हाँ। 200 ग्राम बेसन। बेसनो मिलावल जाई? हाँ। बेसन मिलावला से का फायदा है दीदी? बेसन मिलावला से जीवाणु के शक्ति मिलेला, भोजन मिलेला। अच्छा दीदी, में बेसन मिलाला से जीवाणु बढ़ेला सो और में भोजनो मिलेला? हाँ। एक मुट्ठी में हम 4 भाग कर दानी। एक भाग पड़ेगा? अच्छा दीदी, मेड़ के मिट्टी में एक मुट्ठी में 4 भाग कर दानी? हाँ, एमे एक मुट्ठी पड़ी। ठीक बा दीदी। देखिए बाबा, एक मुट्ठी में 4 भाग को के आ एक चौथाई भाग डालते हैं। अच्छा दीदी, एक मेड़ के मिट्टी डालला से का फायदा हुई? मेड़ के मिट्टी से जीवाणु बढ़ेल सो। अच्छा दीदी, मेड़ के मिट्टी डालला से में जीवाणु बढ़ेल सो? हाँ। खाली में मेड़ के मिट्टी क्या पड़ी, खेत के मिट्टी क्या ना पड़ी? मेड़ के मिट्टी में रासायनिक खाद ना होला, आ खेत के मिट्टी में रासायनिक खाद होला। अच्छा दीदी, मेड़ के मिट्टी में रासायनिक खाद ना होला, आ खेत के मिट्टी में रासायनिक खाद होला? हाँ। यही से मेड़ के मिट्टी डलाई? हाँ। अच्छा दीदी, देखी भैया, बावे से दाए हम घोल मिलावतानी। अच्छा दीदी, ये घोल बाए से दाए काहे मिलावतानी? दोहिने से बावे घुमावला से कीटाणु मर जाइए सो, बावे से दोहिने घुमावला से कीटाणु सुरक्षित रहिए सो। अच्छा दीदी, घोल के कौन मिनट तक ले घुमाओ के बा? 2 मिनट तक। अच्छा दीदी, देखी भैया, ले ये थी घोल तैयार हो गई, अब एकरा के उठा के ले के हम छाह में रखे, छाह में हम घोल रख देता नहीं। ठीक बात दीदी। देखी भैया, घोल बन गई, आ बनला के बाद में हम जूट के बोरा से ढक दे। अच्छा दीदी, ये ढके के बा? हाँ, हम जूट के बोरा से ढक दानी, सुबह शाम के 2-2 मिनट के बावे से दाए घुमाओ के बाद। अच्छा दीदी, अच्छा दीदी, ये हमरा समझ में नहीं लग, जूट के बोरा से काहे ढकनी है? देखिए भैया, जूट के बोरा से ऐसे ढकले बानी कि ये में गैस बनेला, आ गैस जब बनेला तो जूट के बोरा के छेद से बाहर निकल जाला। अच्छा दीदी, ये में जूट के बोरा में छेद होला, ये में से गैस निकल जाला? हाँ। जीवामृत बनावला से ऐसे का लाभ बा? जीवामृत बना के घोल बनावला से कीटाणु के बढ़ोतरी होला, जमीन के शक्ति मिलेला, आ फसल में के हरा भरा रहेला। दीदी, ये तो जीवामृत के घोल सीखला पर खेत में बहुत अच्छा होला, घोल में जुआड़ी होखेला तो खेत में शक्ति देला, हरा भरा रखेला, फसल देला। अच्छा दीदी, एमे कोनो सावधानी हो बा? देखी भैया, दोहिने से बावे घुमावे से कीटाणु मर जाइए सो, आ बावे से दोहिने घुमावे से कीड़ा कीटाणु के सुरक्षित मिलेला। देखी भैया, जौन घोल बनल बा ओकरा के छाहा में 2 दिन तक रखे के बा, छाहा में रखला से कीटाणु मर जाले सो। 1 हफ्ता के अंदर ये जौन घोल बनल बा ओकरा के छिड़काव कर देवे के बा। दीदी भैया लोग के कोनो संदेशो दे? सभी दे ये किसान भैया दीदी लोग के हमार विनती बा कि जीवन मित्र घोल बना कर अपना फसल में छिड़काव करें, आ सुरक्षित रहें। दीदी, हमरा के बहुत अपन कीमती समय दहनी और जीवा मित्र बनाओ के हमरा के विधि बतौनी, एक खातिर के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दीदी, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बतौनी, एक खातिर धन्यवाद। दीदी, हम खातिर बहुत समय निकलनी, ओकरा खातिर धन्यवाद।